आप अक्सर शादियों में जाते हैं, जश्न मनाकर आ जाते हैं, ये आज महज एक सिर्फ शादी नहीं है। मेरे पास 5000 से ज्यादा पंडित पुजारियों ने धमकियां दी है और मैंने उनको खुली चुनौती दी है, अगर आपने अपनी माँ का दूध पिया है 8 दिसंबर को दालमवाड़ा गांव में घुसकर दिखा देना। हमने आपकी मानसिक गुलामी तोड़ दी है, हम आपको खुला चैलेंज करते हैं, किसी भी पंडित पुजारी ने अपनी माँ का दूध पिया कहीं भी टकरा सकता है। देखा कितने हवन यह करके जो ऐलान करते थे कि फाइनल में इंडिया जीतेगा, माँ काल के उज्जैन मंदिर में फाइनल कर दिया, डिक्लेयर कर दिया कि इन मंत्रों का कोई तोड़ नहीं है। आपने देखा होगा खेल में वही जीतेगा जो बेहतर खेलेगा, कोई भी पूछा देने वाला कोई भी ज्योतिषी अतीत भविष्य के बारे में अगर सही सही बताता है 10 करोड़ का इनाम देंगे। यह नहीं कराओगे, फेरे नहीं कराओगे तो संकट आएगा। तो जिन हम उनको चैलेंज करते हैं, जिन शादियों में इन पंडितों ने पंडो पुजारियों ने जो मंत्र पढ़े हैं, मंत्र जाप किया है, उनकी गारंटी दो ना। आप अक्सर शादियों में जाते हैं, जश्न मनाकर आ जाते हैं, लड्डू जलेबी बर्फी खा के आ जाते हैं। आज हम ये खुशी है, ये आज महज एक सिर्फ शादी नहीं है, ये एक सामाजिक आंदोलन की मजबूत बुनियाद है। इसी तर्ज में देश में शादियां होनी शुरू हो गई हैं। हमारे यहाँ तो आज 8 दिसंबर की शादी है, इसी मॉडल पे 7 दिसंबर को हमारा कार्ड देखकर राजस्थान के सीकर में, सीकर के पास खाटू श्याम के पास एक गांव है, उसका संदेश आया कि हमने ऐसे कार्ड छपाया और आपकी तरह हमने शादी कर दी। कल हो चुकी है, 150 से ज्यादा इस तरह के कार्ड छपने शुरू हो गए, छप चुके हैं। हमारे पास अब तक 27 शादियों के संदेश आ चुके हैं, हम इसी तरह करेंगे। हम इसको एक बेहतर सामाजिक आंदोलन के रूप में बदलना चाहते हैं। जो फिजूल के खर्चे हैं, तमाम तरह की फिजूल खर्ची, बेमतलब का पाखंड, अंधविश्वास, हम इन चीजों को उब चुके हैं, तंग आ चुके हैं, इन चीजों को बिल्कुल छोड़ना चाहते हैं। हम समाज में भाईचारा चाहते हैं, आपसी प्रेम प्यार चाहते हैं, और हम इन पर बाकायदा अमल करते हैं। मेरे पास 5000 से ज्यादा पंडित पुजारियों ने धमकियां दी है और मैंने उनको खुली चुनौती दी है, अगर आपने अपनी माँ का दूध पिया है 8 दिसंबर को दालमवाड़ा गांव में घुसकर दिखा देना। खुलेआम चैलेंज किया है, अयोध्या के एक कोई चतुर्वेदी नाम का पंडा फोन मिलाते ही मेरे को क्या बोलता है, मैं इस शादी की आपको बद्दुआ देता हूँ, बद्दुआ देता हूँ, बद्दुआ देता हूँ, आपका सारा परिवार मर जाना चाहिए। तो मैंने कहा आप अपनी बद्दुआ की 5 रेल भर के, 10 रेल भर के बेच देना, आपकी बद्दुआ का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी इस बद्दुआ ने हमारे पुरखों को सदियों तक गुलाम बनाया है, हमने आपकी मानसिक गुलामी तोड़ दी है। हम आपको खुला चैलेंज करते हैं, किसी भी पंडित पुजारी ने अपनी माँ का दूध पिया कहीं भी टकरा सकता है। यह वैज्ञानिक विचारधारा का युग है, विज्ञान का जमाना है, अब कोई नहीं मानेगा कि हनुमान ने सूर्य को मुंह में ले लिया। हमारे पुरखों से शिक्षा छीनी गई थी, हमारे पुरखों को जानबूझकर सदियों अनपढ़ रखा गया था। जो ये कहते भारत विश्व गुरु, वो कौन सा काल था? मौर्य काल में 123 यूनिवर्सिटी थी भारत में, 123, और जिसमें टॉप 10 50 हमारे यानी भारत तो कोई यूनिवर्सिटी थी भी नहीं। हमारी यूनिवर्सिटियों को तबाह करने वाले यही जो पंडा पुजारी वर्ग है, यही लोग थे। ये चीजें हमें समझनी है, जिस जमाने में 123 यूनिवर्सिटी भारत में थी, यहाँ कोई अनपढ़ नहीं था, विदेशों से, जापान से, चीन से, रशिया से, यूरोप से यहाँ लोग पढ़ने आते थे। आज इन जो ये पंडा पुजारी वर्ग है, हमारे देश का क्या हाल बना दिया, हमारे युवा बेरोजगारी से तंग आकर अपनी जमीन बेचकर 2 नंबर में विदेशों में जाते हैं, जिसको अवैध रूप से डोंकी बोलते हैं उस भाषा में, कितनों की बेमौत मरते हैं, कितने की तो आज तक डेड बॉडी लाश भी नहीं मिली है। क्या ये चीजें हमें समझनी नहीं चाहिए? जो यूरोप किसी जमाने में जाहिल कहलाता था, आज वो सबसे आगे है। और हमारी व्यवस्था जिन लोगों ने तबाह की है, हमारा जो विश्व गुरु कहते मौर्य काल था, सबसे दुनिया में सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल, अस्पताल मौर्य काल में हमारे देश में थे।
उस पूरे सिस्टम को तबाह करके ये जो पोंगापति सिस्टम आया है, जो ये ऐलान करते हैं कि आप अगर काले कौए को रोटी दो तभी आपके लड़के को नौकरी मिल जाएगी। अगर काले कौए को रोटी देने से नौकरी मिलती फिर क्या जरूरत थी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने की, क्या जरूरत थी इन चीजों की। ये कितना अंधविश्वास पाखंड फैलाते हैं, आपने देखा कितने हवन यज्ञ करके जो ये ऐलान करते थे कि फाइनल में इंडिया जीतेगा। माँ काल के उज्जैन मंदिर में फाइनल कर दिया, डिक्लेयर कर दिया कि इस इन मंत्रों का कोई तोड़ नहीं है। आपने देखा होगा खेल में वही जीतेगा जो बेहतर खेलेगा। किसी तंत्र मंत्र में, किसी भी मंत्र में कोई शक्ति नहीं है। हम चैलेंज करते हैं कोई मंत्र से एक रुपए का सिक्का जमीन से एक इंच ऊपर उठा दे 10 करोड़ का इनाम देंगे। कोई भी ये साबित करते हवन यज्ञ से प्रदूषण सुधरता है, प्रदूषण नहीं फैलता, वैज्ञानिक आधार पर साबित करते 10 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। पूरी दुनिया में कोई भी भूत प्रेत चिन्ह साबित कर दो 10 करोड़ का इनाम देंगे। कोई भी पूछा देने वाला, कोई भी ज्योतिषी अतीत भविष्य के बारे में अगर सही सही बताता है 10 करोड़ का इनाम देंगे। हमारा जो तेल के लिए, खनिज पदार्थों के लिए धरती में कहां तेल है, गैस है, कोयला, लोहा, तांबा, ब्रिक है, उसके लिए करोड़ों अरबों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। और एक पंडा जाकर खेत में कहेगा कि यहां ट्यूबवेल लगाओ या मीठा पानी निकलेगा, जबकि ये सब झूठ है, पाखंड है, कहीं भी कोई सच्चाई नहीं है। और हमारे पास ये संदेश बहुत आए हैं, अगर आप हवन यज्ञ नहीं कराओगे, फेरे नहीं कराओगे तो संकट आएगा। तो जिन हम उनको चैलेंज करते हैं, जिन शादियों में इन पंडितों ने, पंडित पुजारियों ने जो मंत्र पढ़े हैं, मंत्र जाप किया है, उनकी गारंटी दो ना, वो क्यों मर रहे हैं। जिनका मंत्र पढ़ के पूरे विधि विधान से शादियां की है वो सफल होनी चाहिए ना, वो शादी कभी नहीं टूटनी चाहिए ना, वो बेरोजगार रहने चाहिए, उनको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, सरकारी नहीं कम से कम प्राइवेट तो पक्का मिलनी चाहिए। सबसे ज्यादा बेरोजगार वही है। जब तक आप शिक्षा की तरफ नहीं बढ़ोगे, और शिक्षा भी वैज्ञानिक जागरूक शिक्षा, अंधविश्वासी पाखंडी नहीं, अगर कोई PhD करके सूर्य को पानी दे रहा है वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसके पास खाली डिग्री है, बौद्धिक ज्ञान नहीं है। अगर एक अनपढ़ आदमी भी ये कहता है कि पानी सूरज पे नहीं पहुंचता, वो जागरूक है, वो वैज्ञानिक सोच का है। हमारे को इन चीजों की जरूरत है। जितने भी अंधविश्वास पाखंड की चीजें हैं हमें वो छोड़नी पड़ेगी। हमारा आपस में भाईचारा कैसे बढ़े, समाज में नफरत ना फैले। हम पिछले 8-10 सालों से क्या देख रहे हैं।